हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज है काली चौदस और आज जॉब पे भी छुट्टी है, तो आज बना रही हूँ कुछ अच्छे अच्छे नाश्ते दिवाली के लिए। तो वैसे तो मैं हर बार बना नहीं पाती हूँ, पर आज काली चौदस के दिन मुझे छुट्टी मिल गई है, तो आज मुझे कुछ इतना काम नहीं है। डेकोरेशन का काम फिनिश हो चुका है, सफाई का काम तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया था, तो कुछ भी काम नहीं है। मेरे साथ छुट्टी का कुछ इस्तेमाल किया जाए, तो बना रही हूँ अच्छे अच्छे नाश्ते। तो क्या बना रही हूँ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मैं बना रही हूँ फरसी पूरी, यानी मैदे की जो पूरी आती है वो, और गेहूँ के लोट की पूरी, तीखी पूरी बनाऊंगी, साथ में घुघरा बनाऊंगी। कान्हा जी के लिए मैं चने के लोट के लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि उनको भी भोग लगाने के लिए मुझे डेली चने के लोट के लड्डू चाहिए। तो आज के व्लॉग में यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या नाश्ते बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बना रही हूँ घुघरा। तो फिलिंग्स मैंने रेडी कर लिया है, पिसा हुआ नारियल और पिसी हुई चीनी और ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से भी पीस लिए ताकि घुघरा फट नहीं जाए। तो अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अभी मैंने लिया है मैदा, मोयन के लिए आप तेल या घी का यूज़ कर सकते हो, मैंने तेल यूज़ किया है। अच्छे से लोट को अच्छे से आपको मोन देना है ताकि घुघरे जो होते एकदम क्रंची बने, और थोड़ा गुनगुने पानी से आटा गून लेना है। तो मैंने एक बहुत बड़ी सी पूरी बेल ली है, इसके अंदर मैं एक कटोरी का शेप देके छोटी छोटी पूरियाँ मैं निकाल दूंगी ताकि घुघरे की जो साइज़ होती है वो एक सरखी रहे। अगर आप एक एक पूरी बेलोगे तो ये छोटे बड़े घुघरे बनेंगे, अगर ऐसे बनाओगे तो एक साइज से घुघरे बनेंगे। तो एक पूरी ले लेंगे, इसके अंदर भरेंगे फिलिंग्स। तो फिलिंग्स भरने में आपको ध्यान रखना है कि किनारियों पे लगना नहीं चाहिए, अगर किनारी पे लग गया तो घुघरे चिपकेंगे नहीं, तो तेल में खुलने का बहुत डर रहता है। तो आपको फिलिंग्स भरने में थोड़ा ध्यान रखना है कि किनारियों पे चिपके नहीं। तो अच्छे से उसको प्रेस करके घुघरे का शेप देना है। अगर आपको ऐसा शेप देना नहीं आता हो तो मार्केट में ऐसा सांचा मिल जाता है, तो आप इससे भी बना सकते हो। मुझे ऐसा शेप देना आता है तो मैं ऐसे हाथ से बना लेती हूँ। तो आप देख सकती हो घुघरे का साइज़ है एक समान है। तो सारे घुघरे मैंने ऐसे बना के रख लिए, अभी तेल में फ्राई करेंगे। और तेल गरम हो रहा था तब तक मैंने जो फरसी पूरी मुझे बनानी थी उसकी मैंने तैयारी कर ली। तो डाला है मैदा और इसके अंदर डाला है अजवाइन और थोड़ा मोहन के लिए तेल लिया है और घी भी मैंने लिया है। ये सारे मेरा तेल गरम हो चुका था तो मैंने डाल दिए अंदर घुघरे। तो गोल्डन ब्राउन तक आपको धीमी आंच में उसको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी बने। तो फरसी पूरी का जो आटा मैंने रेडी किया था उसके अंदर डाल दिया है नमक, तो उसको मैदे की पूरी भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी पूरी बनती है, इसके अंदर बहुत सारा मोयन पड़ता है, इसके लिए पूरी अच्छी बनती है।
तभी मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे की तिक्खी पूरी। तो ले लिया है गेहूँ का आटा, उसके साथ में मैंने थोड़ा जो लड्डू बनाते हैं वो जो मोटा आटा आता है थोड़ा मैंने वो ले लिया है। डाल दी अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और थोड़ा मोयन डालना है अंदर। अभी बनाऊंगी मैं बाजरी के वड़े, तो इसके लिए ले लिया है मैंने बाजरी का आटा और मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। उसके साथ मैं थोड़ा सा डालूंगी चने का आटा, बेसन, और डाल दिया नमक, लाल मिर्च, हल्दी और साथ में थोड़ा मोयन डाल दिया है। तिल डाले हैं, तो वाइट तिल या ब्लैक तिल जो आप खाते हो तिल ले सकते हो। तो आपको ऐसे ही दोनों हथेली से ऐसे गोल लड्डू बना के ऐसे हथेली से प्रेस करना है ताकि एकदम बड़े का शेप अच्छे से बन जाएगा। देख सकते हो आप मैंने कैसे थीपा है, तो अच्छे से बड़े का शेप बन गया है, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा रखना है। और बड़े को धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। अभी मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, तो डाल दिया मैंने घी और साथ में बेसन। तो जैसे जैसे आप पकाते जाओगे ऐसे ऐसे अंदर से घी निकलता जाएगा और बेसन एकदम लचका जैसे बनता जाएगा। तो अच्छे से घी निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो भी पता चल जाता है कि बेसन अच्छे से पक गया है और जो कच्चापन रहता है वो निकल जाता है। तो आप देख सकते हो भुनने से कितना ढीला ढीला हो गया है। तो इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो पानी एकदम डालना नहीं है, ऐसे हाथों में लेके उसके पे छांटना है। तो ऐसे करने से जो आपके बेसन के लड्डू है बहुत दानेदार बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके लिए आपको ऐसे खाली पानी से छटकार देना है। तो बेसन बुन के रेडी हो चुका है, अभी निकाल लेंगे प्लेट में ताकि ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हो कि इतना सारा खाना बनाने के बाद भी किचन कितना क्लीन है। तो साथ साथ में मैं किचन क्लीन करती जा रही थी, इसके लिए किचन भी साथ साथ में क्लीन हो गया है। तो साथ साथ में मेरे नाश्ते भी रेडी हो चुके हैं। तो बेसन अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो ऐसे हाथ से थोड़ा मसल लेंगे ताकि थोड़ा छोटा छोटा हो जाए। इसके अंदर डालेंगे बहुत सारा ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है। डालेंगे पीसी हुई चीनी,
तो चीनी आप अपने हिसाब से कितना मीठा खाते हो इस हिसाब से डालनी है। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको लगता होगा बिल्कुल सूखा सूखा है, पर जैसे लड्डू बनाते जाओगे वैसे वैसे अंदर से घी निकलता जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन चुका है। तो सारे नाश्ते बनाते बनाते मुझे हो गई थी शाम, तो 7 बज चुके थे और लगा रही थी संध्या, तो बाहर भी दिए करने पड़ते थे वो भी मैंने लगा दिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होगे उस दिन होगी दिवाली, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। तो ये दिवाली आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेके आए। खुश रहिए, मिठाइयाँ खाइए, फटाके फोड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।